हेलो फ्रेंड्स, आज हम दही वड़ा बनाएंगे। दही वड़ा नॉर्थ इंडियन डिश है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। दही वड़ा बनाने के लिए हमने ये उड़द दाल ले ली है 250 ग्राम। इसको हमने 4 घंटे भिगोकर रख दिया था, जो कि ऐसा हो गया है 4 घंटे में प्रॉपर तरीके से फूल जाता है। तो ये हमने एक मीडियम साइज़ का अदरक का टुकड़ा लिया है और ये ग्रीन चिली, इसको एक साथ में हम पीस लेंगे। और ये 1/2 लीटर दही है जिसमें हमने 3 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि दही बहुत ही गाढ़ा था, बहुत गाढ़ा नहीं लेना है दही। और ये हमने 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, ये 2 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये 2 चुटकी मीठा सोडा, ये 1/2 टीस्पून नमक है, और आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, ये 2 चुटकी हींग है। ओके, तब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दाल को पीस के रेडी करते हैं। क्या है, और इसमें हम ये हींग डाल देंगे। ये मीठा सोडा भी, ये 1/2 नमक डालेंगे, 1/2 रख लेंगे, 1/2 से थोड़ा कम ही डालेंगे। हम इसको अच्छे से मैश करेंगे लगभग 2 मिनट तक। हमारा 2 मिनट हो गया, ये फ्लफी हो गया है काफ़ी, आप देख सकते हैं। अब हम बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़े बनाने के लिए हम कढ़ाई लेते हैं, गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई गर्म होने देते हैं। हमने ये पानी लिया है और ये नमक, इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लगभग 1/2। नमक को अच्छे से मिला देंगे। कढ़ाई में हम तेल डालते हैं, हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा है। लगभग गर्म हो गया है, हम पहले थोड़ा सा ये दाल को डाल के देखते हैं कि तेल हो गया है कि नहीं हुआ है। तेल हमारा हो गया है लगभग, थोड़ा सा और गर्म करेंगे। ये हमारी दाल बहुत ही फ्लफी हुई है, ये देखिए। हमारा तेल गर्म हो गया है अच्छे से। हम यही पानी थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे अपने। पानी लगाने से ये चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा उठाएंगे इसको। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल करके ऐसे, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कुछ इस तरह, या फिर आप इसको ऐसा भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो शेप आप दीजिए। इसी तरह से हम उतने बड़े डालेंगे जितने लगभग कढ़ाई में आ जाएं। बीच बीच में पानी लगाते रहें हाथ में, नहीं तो दाल चिपकने लगती है हाथ में, फिर बड़े अच्छे नहीं बनेंगे, उनका शेप उतना अच्छा नहीं आएगा। ये बहुत ही इजी है बनाना। ये लगभग 11 बड़े हमने एक साथ डाल दिए हैं, को धीरे से चेक कीजिए, ये आराम से अपने आप ही निकल जाएंगे। देखिए ये फूल रहे हैं, इनका साइज दुगना हो रहा है। तो हल्के हाथों से धीरे धीरे पलट दीजिए। मीडियम आंच रखिए थोड़ा सा, इसको धीरे धीरे से पलट देते हैं, हल्का गुलाबी होने तक इसको तलना है।
ये वड़ों का कलर चेंज हो गया है, हल्का गुलाबी लाइट कलर। बहुत ज़्यादा इसको नहीं तलना है, बस हल्का इसका कलर चेंज हो, लाइट गुलाबी दिखने लगे। ये कुछ इस तरह, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसको निकाले, हल्के गुलाबी हो गए हैं, हम इनको एक थाली में निकाल लेते हैं कुछ इस तरह, ताकि एक्स्ट्रा तेल नीचे गिर जाए। ये तीन तीन करके मैं निकाल ले रही हूँ। गैस थोड़ा कम कर देते हैं। अब इनको हम, ये नमक वाले पानी है उसमें डाल देते हैं। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, वाओ, बहुत गर्म है, थोड़ा संभल के डालना है। दो मिनट तक इसको हम पानी में पड़ा रहने देते हैं, तब तक हम दूसरा डालते हैं। इसी तरह से हम फिर से वही प्रोसेस, हाथ में पानी लगाएंगे, थोड़ा सा दाल को लेंगे, इसको गोला बनाएंगे और डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे वड़ों को पहले तल लेते हैं। दो तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इनको हल्के हाथ से निचोड़ लेते हैं पानी को। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। हल्के हाथों से पानी को निचोड़ देंगे सारा। इसी तरह सारे वड़ों को हम पानी में डाल के दो तीन मिनट के बाद निचोड़ के रख लेंगे। उसके बाद हम इनको दही में डालेंगे। चलिए ये हो गया, दो तीन मिनट इसको थोड़ा रेस्ट होने देते हैं, फिर इसको हम दही में डालेंगे। अब हम सबसे पहले दही में ये नमक डाल देंगे, इतना पूरा नमक डाल देंगे। बाद में जब सर्व करेंगे तो आप हल्का सा ऊपर नमक डाल सकते हैं। जीरा भी हम आधा डालेंगे, आधा बाद में सर्व करते समय यूज़ होगा। चाट मसाला भी थोड़ा सा डालेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। आप शुगर चीनी ऑप्शन में है, आप चाहे तो डालें चाहे तो नहीं। हम इसमें एक टीस्पून छोटे चम्मच से, हमने एक चम्मच चीनी डाल दी है, इसको अच्छे से मिला देंगे। सारे वड़ों को इसमें डाल देंगे और डाल के इनको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम वड़ों को सर्व करेंगे चटनी के साथ, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी से। तो आधे घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं, इस तरह से सारे वड़ों को डाल देंगे। आधे घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद सर्व करेंगे चटनी के साथ। दही वड़ा रेडी है, अच्छे से सेट हो गया है, फूल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए इसको धीरे धीरे निकालेंगे। दो पीस ले लेंगे, इसमें दही डाल लेंगे। बस अब इसमें हम इसको गार्निश करेंगे, इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे, थोड़ी सी। अब ये मीठी चटनी बनाएंगे, ये इमली की मीठी चटनी हमने बना ली थी। थोड़ा सा और, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी चाट मसाला में भी नमक होता है। ये दो तीन किशमिश है, इसको हम डाल देंगे। काजू, एक एक काजू ऐसे यहाँ टॉप पर लगा देंगे। ये किशमिश भी हमने डाल दिया,
ये थोड़े से हरे धनिए कटे हुए, थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बड़े रेडी हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। आप बनाइए, खाइए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए।